हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की और उसके साथ ही इसके प्राइस प्रिडिक्शन की भी, और आने वाली टाइम में क्या बड़ी अपडेट्स इसके इकोसिस्टम में हमें देखने को मिल सकती है और इस कॉइन में कितना ज़्यादा पोटेंशियल और क्यों आपको इस कॉइन को होल्ड करके रखना चाहिए, सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। दोस्तों, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। और दोस्तों, अभी बेबी डॉट ट्रेड कर रहा है इंडियन रुपीस में 0.000031 पर और 24 आवर्स में इसका प्राइस लगभग 2.4% बढ़ा हुआ है। अगर मार्केट रैंक देखें दोस्तों, तो मार्केट कैप के बेसिस पर 142 रैंक पर ये आ चुका है। मतलब जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें अगर आप देखें तो यहां पर 142वें नंबर पर रैंक कर रहा है मार्केट कैप के बेसिस पर, जो एक काफी बड़ा साइन है कि कितना सक्सेसफुल ये कॉइन अभी तक हो चुका है और आने वाले टाइम में भी आगे होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहां पर इसका लोवेस्ट प्राइस देखें 24 आवर्स का, लगभग 29 था, आप यहां पर देख सकते हैं जीरो हमने हटा दिए। हाईएस्ट की बात करें लगभग 33 तक गया हुआ है। यहां पर अगर हम इसका टोटल सप्लाई देखें दोस्तों, 420 क्वाड्रिलियन टोटल सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सर्कुलेशन में अगर आप देखें सप्लाई जो है वो 164 क्वाड्रिलियन है। मतलब यहां पर काफी बड़ी क्वांटिटी में जो सप्लाई है उसे लगातार रिड्यूस किया जा रहा है। मतलब अभी तक अगर हम देखें तो यहां पर लगभग 256 क्वाड्रिलियन के सप्लाई को इनके द्वारा बर्न कर दिया गया है, काफी बड़ी क्वांटिटी दोस्तों जिसमें इन्होंने यहां पर बर्निंग की है, और इसी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर बर्निंग लगातार होगी तो इस तरीके से इसका प्राइस जो है आने वाले टाइम में अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी लोगों को यहां पर उम्मीद होती है किसी भी टोकन से अगर वो बर्न होता है तो वहां पर उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर हम दोस्तों शिबा इनू कॉइन से इसका कंपेयर करें तो शिबा का जो सप्लाई था 1 क्वाड्रिलियन था और अभी अगर आप देखें तो लगभग 549 ट्रिलियन वहां पर बचा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें बेबी डॉज की, सप्लाई काफी ज्यादा है, इस वजह से इसे रिड्यूस किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट यहां पर इसके प्राइस पर पड़ता हुआ नजर आए। और जिस तरीके से यहां पर सप्लाई रिड्यूस हो रहा है आप देख रहे होंगे, प्राइस पर इंपैक्ट जरूर पड़ रहा है। 164 क्वाड्रिलियन अभी आपको सर्कुलेशन में सप्लाई देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट की, तो जून 2021 में आया था, मतलब लगभग अभी के समय में 7 से 8 महीने हुए, और 7 से 8 महीनों में काफी बड़ी क्वांटिटी यहां पर इनकी टीम के द्वारा लगातार बर्न की जा रही है। अगर हम बर्निंग की बात करें दोस्तों, बर्निंग यहां पर मंथली होती है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी भी इनके द्वारा लगातार मनाई जा रही है बेबी डॉज की, जहां पर इसे बर्न किया जाता है। यहां पर अगर हम 90 डेज का चार्ट देखें इसका, तो आप देख सकते हैं जो प्राइस है उसमें एक अच्छा खासा उछाल फिर से देखने को मिला है। मतलब जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी की शुरुआत से ये कॉइन काफी ज्यादा ट्रेंड में भी और काफी लोगों ने इससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। इससे पहले अगर आप देखें तो यहां पर अच्छा खासा ऊपर की ओर था, फिर लगातार डाउन में आया, फिर से यहां पर जो प्राइस है उसमें एक अच्छी खासी हाइप देखने को मिली। अगर हम मैक्सिमम यहां पर चार्ट देखें तो वो भी आप देख सकते हैं, मतलब लगभग जुलाई के महीने में अच्छा खासा ऊपर की ओर गया था 0.000035 तक, फिर लगातार डाउन में आया और डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। नवंबर के महीने में फिर से ऊपर की ओर गया और एक अच्छा खासा हाई टच करा, फिर से डाउन में आया, और फिर से अगर आप देखें तो इस साल की शुरुआत काफी अच्छी हुई है बेबी डॉज की। और अगर आप यहां पर इसका 7 डे का चार्ट देखेंगे दोस्तों, लगभग 3.4% बढ़ा हुआ है, 14 डेज में 135% प्रॉफिट निकाल कर दिया है अपने होल्डर्स को। और उसके बाद अगर आप देखें 30 डेज में, तो एक महीने पहले अगर आपने यहां पर 1000 रुपए भी लगाए होते तो आप देख सकते हैं यहां पर 200% का प्रॉफिट है इस कॉइन ने निकाल कर दिया है। मतलब एक काफी बड़ा प्रॉफिट यहां पर बेबी डॉज अभी निकाल कर दे रहा है, जिस वजह से काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड भी है और इसकी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें 7 डेज हाई लो की, तो वो भी आप देख सकते हैं, मार्केट रैंक 142 है ऑल टाइम हाई से, अभी भी लगभग 28% कम चल रहा है, जो 6 महीने पहले गया था जुलाई 4 में 0.000043। मतलब ये इस साल अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है, बड़े आसानी से क्रिएट कर सकता है, जिस तरीके की यहां पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और लगातार इसकी बर्निंग भी हो रही है। और आने वाले टाइम में मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग होना अभी तो बाकी है। अगर हम बात करें यहां पर ऑल टाइम लो की, तो उससे लगभग 4524% यहां पर आप देख सकते हैं, 7 महीने पहले था जून 9 में, और उससे अभी लगभग यहां पर 4524% ये ऊपर की ओर चल रहा है। अब काफी लोग इसे बाय करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इसे कहां से बाय कर सकते हैं, तो दोस्तों आप gate.io से बाय कर सकते हैं अगर आप वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करते हैं तो, और अगर आप इंडियन एक्सचेंज का यूज करना चाहते हैं तो सन क्रिप्टो पर ये अवेलेबल है INR के पेयर में, जहां से आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और सन क्रिप्टो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम अदर एक्सचेंजेस की बात करें, पोलोनियक्स पर अवेलेबल है, OKX पर अवेलेबल है, एल बैंक पर अवेलेबल है, बीट मार्ट पर भी अवेलेबल है USDT के पेयर में, जहां से आप बेबी डॉज कॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, तो सबसे पहले हम यहां पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देख लेते हैं, और यहां पर आपको बेबी डॉज कॉइन से जुड़ी काफी कुछ अपडेट्स मिल जाएगी। द बर्थ ऑफ बेबी डॉज, वर्ल्ड्स बेस्ट कम्युनिटी कॉइन, जहां पर आप
देख सकते हैं बेबी डॉज का एक इमोजी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर टेलीग्राम रेडिट ट्विटर की सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और ऑडिटेड भी है दोस्तों सर्टी के द्वारा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑटो और मैनुअल बर्न भी है। वी हैव बर्न 41% ऑफ द सप्लाई, दैट मीन्स आउट ऑफ द 5% ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर अभी तक लगभग 41% सप्लाई को इनके द्वारा बर्न कर दिया गया है 7 महीनों में। मतलब एक काफी बड़ी क्वांटिटी होती है जो इनके द्वारा बर्न कर दी गई है। और इसके अलावा हर एक ट्रांजेक्शन के साथ यहाँ पर बर्निंग जो है वो लगातार जारी है। बेबी डॉज क्रिप्टो कार्ड भी यहाँ पर इन्होंने शेयर किया हुआ। इस क्रिप्टो कार्ड की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये डेवलपमेंट में है, मतलब अभी नहीं आया है। मतलब फ्यूचर का इनका प्लान है कि ये यहाँ पर क्रिप्टो कार्ड भी लाने वाले हैं। बेबी डॉज एप्लीकेशन दैट विल बी अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड, जहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशन होगी वो iOS और एंड्रॉइड पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा इसमें फीचर्स क्या होंगे, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, इसके अलावा सेंड भी कर सकते हैं, एबिलिटी टू एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी फॉर फिएट और क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो काफी कुछ अपडेट्स, काफी कुछ फीचर्स यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। बेबी डॉज की जो डेवलपमेंट टीम है उन्होंने यहाँ पर ये शेयर किया हुआ है। इसके अलावा एक्सचेंजेस आप देख सकते हैं, लिस्ट आपको मिल जाएगी बीटमार्ट, जेटी ग्लोबल, gate.io, इसके अलावा कुछ और अदर एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल है। ज्यादातर इंडियन एक्सचेंज पर आपको नहीं मिलेगा, पेनकेक स्वैप से आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सन क्रिप्टो की तो वहां पर मिल जाएगा। और काफी कुछ एक्सचेंजेस है दोस्तों जो आने वाले टाइम में इसे लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है इसकी कम्युनिटी जो लगभग 1.2 मिलियन के पार हो चुकी है। मतलब शिबा इनू कॉइन की कम्युनिटी को यहां पर पीछे कर दिया है। जो होल्डर्स की संख्या है वो लगभग 1.2 मिलियन तक पहुंच गई है, जो एक काफी बड़ा साइन है इसकी ग्रोथ का। इसके अलावा टोकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं 5% ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एडेड टू लिक्विडिटी पूल। यहां पर अगर आप इसे परचेस करते हैं तो लगभग 10% फीस यहां पर कटती है, जिसमें से 5% जो होता है वो जाता है लिक्विडिटी पूल में और 5% जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है होल्डर्स को। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर बड़े इंटरेस्टिंग जो आर्टिकल्स हैं, जो एलन मस्क के ट्वीट्स हैं, उनको भी इन्होंने यहां पर अपनी वेबसाइट पर शेयर किया हुआ है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा इसे एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, मतलब शॉपिफाई, मैग्नेटो, वू कॉमर्स के बारे में इन्होंने यहां पर आर्टिकल लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहां पर एक पार्टनरशिप हुई है coinpayments.net के साथ, जहां पर मर्चेंट्स जो है अक्रॉस द ग्लोबल एक्सेप्ट कर सकते हैं बेबी डॉज को एज अ पेमेंट अगर वो चूज करना चाहते हैं। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी की बात करें फेज 5 पर वर्क चल रहा है, जहां पर जो होल्डर्स है वो 3 लाख से पार तो कब के हो गए, आपको पता ही होगा होल्डर्स काफी तेजी से ग्रोथ हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर जो डोनेशन है लगातार इनके द्वारा दिया जा रहा है डॉज शेल्टर्स के लिए, डॉज कम्युनिटी के लिए यहां पर जो डोनेशन है इनके द्वारा लगातार दिया जा रहा है। और अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पर देखें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो होल्डर्स है वो 12,21,235 तक पहुंच चुके हैं। टोटल सप्लाई लगभग 420 क्वाड्रिलियन था और घटकर यहां पर लगभग 164 क्वाड्रिलियन बचा हुआ है। होल्डर्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कितनी क्वांटिटी में कितने लोगों के द्वारा इसे होल्ड किया गया है। तो 41% सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा जो डेड वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एक्सचेंजेस जिनके द्वारा यहां पर जो बेबी डॉज है उसे परचेस करके रखा हुआ है। OKX आप देख सकते हैं, पेनकेक स्वैप, इसके अलावा कुछ और एड्रेसेस आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेंगे जहां पर 1% आधा परसेंट में यहां पर बेबी डॉज को होल्ड करके रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर बेबी डॉज की जो कम्युनिटी है वो लगातार बाइनेंस लिस्टिंग के लिए यहां पर टेक कर रही है बाइनेंस को भी। और अगर आप देखें लास्ट 2 हफ्तों में इसका जो प्राइस है लगभग 115% बढ़ा हुआ है और बाइनेंस लिस्टिंग के लिए भी यहां पर लगातार टेक किया जा रहा है। और जो क्रिप्टो विश है दोस्तों उसमें भी बाइनेंस को टेक किया जा रहा है। और अगर बाइनेंस यहां पर इसे लिस्ट करता है तो इसके लिए काफी बड़ी न्यूज हो सकती है और बाइनेंस लिस्टिंग से यहां पर इसके प्राइस पर एक काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें बेबी डॉज ने यहां पर फ्लिप किया है ETH को और मोस्ट ट्रेडेड टोकन भी बन गया है। अगर हम बात करें 1000 BSC वॉलेट्स में, बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट्स में, आप देख सकते हैं मोस्ट ट्रेडेड टोकन बना हुआ है, मतलब काफी लोग इसे यहां पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज आपने देखा होगा एलन मस्क के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है डॉज कॉइन को लेकर कि टेस्ला यहां पर डॉज के साथ मर्ज करने वाला है, मतलब डॉज को एक्सेप्ट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो यहां पर सपोर्ट कर सकते हैं बेबी डॉज को भी, क्योंकि अगर डॉज को फॉलो करता हुआ बेबी डॉज आपको नजर आएगा, मतलब यहां पर वो डॉज को अपना फादर मानता है और उसी के फुटप्रिंट पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस पर आने वाले टाइम में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो कुछ क्वांटिटी आप यहां पर बेबी डॉज की परचेस करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सन क्रिप्टो पर अवेलेबल है, इसके अलावा gate.io पर अवेलेबल है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें काफी हाई प्राइस पर अवेलेबल है, तो थोड़ा आप इंतजार कर सकते हैं, जब ये डाउन में जाए तब जाकर आप एंट्री ले ले। और अगर आप 100 रुपए भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहां पर करोड़ों कॉइन मिल जाएंगे, काफी बड़ी क्वांटिटी में यहां पर कॉइन्स आपको अवेलेबल है। और कोई भी अपडेट निकल कर आती है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम
आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।